हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट रेड में हम टॉपिक कर रहे थे डेवलपिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम, जिसके अंदर से हमने थ्री स्टेजेस को डिस्कस किया। फर्स्ट स्टेज था हमारा आइडेंटिफिकेशन, सेकंड था कंसेप्चुअलाइजेशन एंड थर्ड स्टेज जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया वो था फॉर्मलाइजेशन। आई होप कि आपने इन सभी वीडियोज को देखा होगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो आज का जो न्यू टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट स्टेज जो होगा वो होगा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? जो चीज हम प्लान कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे माइंड में है, विजुअली है, फिजिकली नहीं। जब हम अपने थॉट्स को जो हमारे माइंड में है विजुअली, उसको हम फिजिकली किसी न किसी मॉडल का यूज करके या किसी कोडिंग लैंग्वेज का यूज करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसको कहा जाता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। कि हमारे जो माइंड के थॉट्स हैं, प्लानिंग्स हैं, उनको हम एक जगह पर फिजिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, वहां पर यूज होता है इम्प्लीमेंटेशन। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपने भी कई जगह पर जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इस स्टेज को देखा होगा, क्योंकि बहुत जगह पर एसटीएलसी में इम्प्लीमेंटेशन भी लिखा होता है और इम्प्लीमेंटेशन के प्लेस पर कोडिंग भी लिखा होता है, क्योंकि कोडिंग का मीनिंग भी यही है। जो हमने डिजाइनिंग फेज में एक नॉर्मल लॉजिकल डिजाइन बनाया था, लॉजिकल जो हमारे पास लॉजिक लगने थे उनको एक लॉजिकल वे में रिप्रेजेंट किया था, उसी से ही हम एक फिजिकल कोड लिखकर कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करते हैं। डेट्स वाई यहाँ पर हम कोडिंग भी लिख सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हैं। वो तो थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात, बट यहाँ पर हम एक एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इम्प्लीमेंटेशन ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि अब तक जितना भी हुआ है कंसेप्चुलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, वो सब क्या था? विजुअली था। अगर प्रैक्टिकली भी किया है फिर भी आप यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ही लिखोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इम्प्लीमेंट स्टेज में क्या क्या होता है। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के दौरान द फॉर्मलाइज नॉलेज इज मैप्ड और कोडेड इन टू द फ्रेमवर्क ऑफ द डेवलपमेंट टूल्स टू बिल्ड अ वर्किंग प्रोटोटाइप। ठीक है, अब लास्ट स्टेज पर हमने क्या देखा था फॉर्मलाइजेशन पे, कि अब तो हमने जितना काम करना था, प्रॉब्लम को जितना डिफाइन करना था रिटर्न वे में भी और प्रैक्टिकल ग्राफिकल वे में भी, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाना स्टार्ट करेंगे। मीन्स जो नॉलेज इंजीनियर है वो प्रोटोटाइप बनाना स्टार्ट करेगा अपने रिप्रेजेंटेशन स्किल्स का यूज करके, और एक छोटा सा प्रोटोटाइप एक्सपर्ट सिस्टम जो है बिल्ड करेगा। अगर कुछ चेंज भी करना होगा तो उस प्रोटोटाइप में चेंज करेगा जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता कि एग्जैक्टली ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम बनना चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है? जो हमारे पास लॉजिकल डिटेल्स हैं उनका यूज करके एक प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है फिजिकली, जिसको रियली हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसको इम्प्लीमेंटेशन बोला जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन में कर क्या रहे हैं? जो हमने फॉर्मलाइज्ड नॉलेज देखी थी, कि फॉर्मलाइज्ड नॉलेज में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने प्रॉब्लम को नहीं देखा बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन सा मैच हो सकता है वो चेक किया, उन सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कोड करके या फिर किसी ना किसी हार्डवेयर सिस्टम्स का यूज करके, फ्रेमवर्क्स का यूज करके हमने प्रोटोटाइप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। प्रोटोटाइप मीन्स एक डमी सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे अगर कुछ चेंज होगा तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही इकोनॉमिकली और ना ही प्रैक्टिकली। इकोनॉमिकली मीन्स देखो, कुछ भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी, उसके अंदर भी इकोनॉमिकल लगेगा, पैसे लगेंगे कंपनी वालों के, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उनको अगर वो प्रोटोटाइप्स का यूज़ करेंगे। प्रोटोटाइप्स का यूज़ करेंगे मीन्स एक डमी सिस्टम। जैसे आप कभी भी मोबाइल की शॉप पर मोबाइल लेने जाते हो, ठीक है, तो वो आपको क्या डायरेक्टली ओरिजिनल पीस दिखा देते हैं? नहीं ना। जो भी मॉडल आप चाहते हैं, आपने बोला मेरे को सैमसंग का चाहिए फोन, वीवो का चाहिए, तो आपको एक डमी दिखाएंगे, राइट? उसी मॉडल का डमी सिस्टम दिखा देंगे कि ये ऐसे है, ये इसकी बॉडी है, अंदर की फंक्शनिंग ये हो सकती है, ठीक है, वो सब बता देंगे आपको, बट आपको रियल में ओरिजिनल पीस तो नहीं देंगे ना। ओरिजिनल पीस कब बनेगा? जब पहले डमी सिस्टम बन जाएगा। वैसे एक्सपर्ट सिस्टम को या किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी किया जाता है, सबसे पहले हम उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं। अगर प्रोटोटाइप में चेंज करना है, डोंट वरी, चेंज हो जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि चेंज नहीं होगा, बल्कि प्रोटोटाइप में ही चेंज होता है ताकि आपको एक्चुअल में जो आप रियल में एक्सपर्ट सिस्टम बनाने जा रहे हो उसके अंदर चेंज ना करना पड़े। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन भी बच जाएगी, टाइम भी और मनी सब बच जाएगा। द कंटेंट ऑफ द नॉलेज स्ट्रक्चर, नॉलेज स्ट्रक्चर का जो कंटेंट होता है, इन्फ्रेंस रूल एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज आर एस्टैब्लिश्ड इन द प्रीवियस स्टेज दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सूटेबल फॉर्मेट। जो कोई भी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज हमने कलेक्ट की और उसको रिप्रेजेंट किया आइडेंटिफिकेशन और कंसेप्चुलाइजेशन स्टेज पर, जो जो नॉलेज हमें मिली उसको हमने एक फॉर्मलाइज वे में सेट कर दिया, फॉर्मलाइज वे में रिप्रेजेंट कर दिया फॉर्मलाइजेशन स्टेज पर। ये वही कह रहा है कि आपने एक सुटेबल फॉर्मेट का यूज करके उसको फिक्स कर दिया रिप्रेजेंटेशन के मैथड्स का, मैथड्स का यूज करके नॉलेज का।
ऑफ्टन द नॉलेज इंजीनियर्स, जो नॉलेज इंजीनियर है, विल हैव द हैविंग यूजिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स, उसके पास कुछ ना कुछ डेवलपमेंट टूल्स होगा जिन टूल्स का यूज करके वो एक्सपर्ट सिस्टम बनाएगा, अदरवाइज उसको हार्डवेयर की तो नीड पड़ेगी पड़ेगी ना, बट अंदर के फंक्शनिंग करने के लिए उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट का या सिस्टम्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बॉडी बनाने के लिए तो हार्डवेयर लगेगा, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में होता है, बॉडी बनाने के हार्डवेयर लगेगा, बट उसके अंदर जो फीचर्स हैं जो वो वर्क करेगा तो सॉफ्टवेयर है ना सब, तो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसकी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करने के लिए भी डेवलपमेंट जो टूल्स है उनका यूज करना पड़ेगा, ताकि वे प्रोटोटाइप बना सके, एक ऐसा प्रोटोटाइप जो वर्किंग करता हो, लाइक द डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी चीजें थी, इंस्ट्रक्शन थी, उनका यूज करके वर्किंग करता। द कोर्स ऑफ बिल्डिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम, जब हम बिल्डिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम की बात करते हैं कि हम एक एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं, देयर इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, तो सारी चीज कॉन्स्टेंट रहती है, बार बार हम किसी चीज को चेंज नहीं करते, क्योंकि जो चेंजेस होने थे वो फर्स्ट स्टेज पर ही हो गया आइडेंटिफिकेशन में, उसी के अंदर सब डॉक्यूमेंट और डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, अगर चेंज होता तो वहीं हो जाता, फिर भी थोड़ा बहुत अगर चेंज हो रहा है डेट इनफ है, पर ज्यादा चेंज नहीं होता, मोस्टली कॉन्स्टेंट ही रहता है। रिविजन विच हैव द इन्वॉल्व रिफॉर्मेशन ऑफ द कंसेप्ट, रीडिजाइन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, अगर हम चेंजेस करते भी हैं तो हमें सब कुछ चीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग स्टेज से वापस से सब काम करना पड़ेगा, दोबारा से रीडिजाइनिंग करनी है, रिप्रेजेंटेशन करनी है, रिफाइनिंग करनी है, ताकि हम एक एक्सपर्ट सिस्टम बना सके, इंप्लीमेंटेशन कर सके उसका। नेक्स्ट वो कह रहा है कि रिफाइनमेंट ऑफ द प्रोटोटाइप नॉर्मली इन्वॉल्व द रिसाइकलिंग, अगर हम कह रहे हैं कि जो हमने प्रोटोटाइप बनाया उसको रिफाइन कर दो, तो रिफाइन करने का मीनिंग ये नहीं है कि पूरे तोड़ फोड़ के उसको दोबारा से नया बनाओ, नहीं, उसको रिसाइकल कर दो, जो जो चीज़ की उसके अंदर कमी है उसको ऐड कर दो और जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग द इवैल्यूएशन स्टेज इन ऑर्डर देन और एडजस्ट द रूल्स एंड देयर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अंटिल द एक्सपेक्टेड बिहेवियर टू बी ऑब्टेंड। छोटा सा और सिंपल सा डायग्राम है, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज बिगिन किया, जिस स्टेज पर अभी हम हैं, हमने काम स्टार्ट किया, क्या किया, फिर प्रोटोटाइप बनाया सबसे पहले नॉर्मल सा, उसको इवेल्युएट किया कि जो हमें रिजल्ट चाहिए या जो भी यूजर को रिजल्ट चाहिए कि वैसे रिजल्ट आ रहा है, अगर तो आ रहा है देन नेक्स्ट स्टेज पर वो जाएगा। वेयर द करेक्ट टेक्निक चूज, अब हमें कौन से करेक्ट टेक्निक्स को चूज करना चाहिए, कौन सी सही टेक्निक है जो हम चूज करें और हम टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दें, अगर सही है प्रोटोटाइप, नहीं है तो वापस जाएगा, प्रोटोटाइप बनाएगा, इवेल्युएट करेगा, चेक करेगा कौन सी कंडीशन यूज करें, अब चेक हो जाएगी, सही होगी कंडीशन तो यस वाले में जाएगा और फटाफट से बिगिन कर देगा टेस्टिंग को, अदरवाइज कहाँ चला जाएगा, वापस से प्रोटोटाइप मेकिंग की तरफ। वंस द प्रोटोटाइप सिस्टम हैज बीन डिफाइंड सफिशिएंटली टू अलाउज इट टू बी एग्जीक्यूटेड, अगर एक बार हमारा प्रोटोटाइप ठीक से बन गया तो हम नेक्स्ट वाले स्टेप पर जा सकते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं। द एक्सपर्ट सिस्टम इज रेडी टू बी टेस्टेड, जैसे ही एक प्रोटोटाइप सही बन जाएगा उस टाइम पर हम नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज टेस्टिंग का, तो एक्सपर्ट सिस्टम जो रेडी रहेगा टेस्ट होने के लिए थ्रू द एंश्योर डेट एग्जीक्यूट करेक्टली, जिससे हमें ये एंश्योर हो जाए, ये पक्का हो जाए कि अब जो एक्सपर्ट सिस्टम है बिल्कुल सही से काम कर रहा है, सही से ही काम करेगा। तो फ्रेंड्स यही हमारा आज का टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज टेस्टिंग। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।